नमस्कार साथियों, नॉलेज विंग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये चैनल आपका अपना है और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आप इस चैनल पर देख पा रहे हैं। काफ़ी बिजी थे तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो आज खुशखबरी आई और कुछ न्यूज़ मिली तो आज आपके लिए वीडियो बना डाला। तो आइए बात करते हैं कि आज किसके ऊपर है और आपको थंबनेल पर दिख भी रहा है, दिल्ली पुलिस की भर्ती के रिगार्डिंग है। तो बात कर लेते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का जो नोटिस है वो आ चुका है। और दिल्ली पुलिस में वैकेंसी का जो नोटिस है वो भी किसका है, देखिए आप, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2019, 2019 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन की ओपनिंग डेट भी आ चुकी है। 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और आप ये देख रहे होंगे इसका जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो भी आपका जल्द ही आ जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम का नोटिस भी आपके पास जल्द ही आपको मिल जाएगा। और इसकी टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी हैं 554, 554 पोस्ट हैं। और इसमें बात की जाए तो ये पूरा नोटिस आया है, इसमें दिल्ली पुलिस की वेबसाइट दी गई है कि कैसे आपको पे करना है, कैसे नहीं करना, ये देख लीजिए आप। पे के रिगार्डिंग भी दिया गया है, चालान जो आपका होगा, फीस जो होगी वो SBI के द्वारा पे की जाएगी। और दूसरा, इसमें काफ़ी सारे पेज हैं, इसमें हाइट चेस्ट आपका कितना, आपको एक्सप्रेसमैन का कितना रहेगा, कैसे क्या कुछ रहेगा, आपकी पूरी डिटेल जो है इसमें दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12 रहेगी और आपका जो है कैंडिडेट हु नॉट रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है अब आपके इसमें नहीं है आपका, मतलब आप +2 में हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपके 25 वर्ड, 25 वर्ड्स होंगे। फिजिकल भी आपका दे दिया गया है, कितना कितना जंप होगा और किस एज के कितने आपकी रेस रहेगी, क्या उसका टाइमिंग रहेगा, एज रिलैक्सेशन कैसे होगा, किस प्रकार का आपका फिजिकल होगा, किसको कितना छूट मिलेगा, वो सब पूरी डिटेल दी गई है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बेसिक ट्रेनिंग कोर्स में आपको पूरा दिया गया है कि कहाँ एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, कैसे कुछ होगा, क्या नहीं होगा, आपकी ट्रेनिंग कब होगी, ट्रेनिंग में कितना मिलेगा, आपको पे स्केल भी दे दिया गया है। और आपका जो होगा एप्लीकेशन वो ऑनलाइन ही पे होगा, आप देख सकते हैं ऑनलाइन आपका फॉर्म फिलअप होगा। और आप इसमें देख सकते हैं आप अपना पूरी डिटेल, काफ़ी सारे पेज इसमें 13 पेज 13 पेज इसमें दिए गए हैं, 13 पेज दिए गए हैं इसमें, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आपके 12th पास आप होने चाहिए, आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन होगा और आपका जो टेस्ट होगा यह आप देख सकते हैं कि डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन ही आपका जो है टेस्ट होगा। फॉर अपीयरिंग इन फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट, देखिए पहले फिजिकल होगा या टेस्ट होगा, पहले आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपका होगा उसके रिजल्ट में जो पास होंगे वही फिजिकल मेजरमेंट में क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए मिनिमम क्राइटेरिया भी दिया गया है कि 40% मार्क्स जनरल EWS के लिए, 35% SC OBC ST वगैरह के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 30%। और जो कंप्यूटर पर जो बेस्ड होंगे, जो कंप्यूटर आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, उससे फिजिकल के लिए आपके कितने बुलाए जाएंगे, कितने कैंडिडेट चुने जाएंगे, वो आपके दिए गए हैं, 20 टाइम्स आपके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है और आप अपनी तैयारी में जुट जाइए।
ये 13 का पेज है। तो मैंने आपको सभी पेज जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं कि आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो आपके 1 अक्टूबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे और लाइसेंस आपको चाहिएगा और आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, पहले एग्ज़ाम होगा आपको, मैं फिर से बता देता हूँ। तो और कांस्टेबल की भर्ती भी आपको बता देता हूँ, आपको पूछे कि कांस्टेबल की भर्ती कब आने वाली है। कांस्टेबल की भर्ती भी आपके अक्टूबर के महीने में ही आने वाली है, अक्टूबर के लास्ट तक आपकी भर्ती कांस्टेबल की भी आ जाएगी, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप ये देख लेना। थैंक यू साथियों, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, यदि आपको सही लगा हो, इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, वीडियो सही लगा तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो डाला है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू साथियों।